हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉनी द बियर्ड शेफ। में आज हम बनाने जा रहे हैं एक वेरी हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है क्रिस्पी वेजी सलाड। तो ये सलाड में मैंने कुछ वेजीज, फ्रेश वेजीज प्रिपेयर किया हुआ है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। इसमें आपको गैस भी ऑन नहीं करना है। ये कोरोना के समय में आप सब ये अलग अलग रेसिपीज ट्राई करके बोर हो गए होगे, तो ये है कुछ नया जिसमें आपकी हेल्थ भी मेंटेन होगी और साथ में आप मोटे भी नहीं होगे। तो और ये रेसिपी ऐसी है कि ऐसा नहीं आप अगर मोटे हैं तो ही खाएंगे, अगर कोई आपके साथ में, कोई आपके घर में कोई पतला मेंबर है, अगर वो भी खाता है तो उसको ये देख के होगा कि नहीं, मुझे रोटी सब्जी नहीं खानी है, मुझे सिर्फ ये वेजिटेबल सलाड खाना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। पहले देखिए, इधर मैंने जो प्रिपेयर किया है उसमें है कुछ कुकुम्बर, कुछ उसमें कुछ कैबेज है, और मैंने लिया है फणसी, ऑनियन एंड सम कैरेट्स। सो ये हम छोटे छोटे पीस में काट देंगे और इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। अभी लेना है हमको एक ग्रीन चटनी, जो ये ग्रीन चटनी है जो मैंने घर पे बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने फुदीना और कोथमीर मिक्स करके ये ग्रीन चटनी प्रिपेयर की हुई है। तो इसको हम डालेंगे, इसको 4 टेबलस्पून डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया होती है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप और कुछ नहीं खाएंगे, दोनों टाइम यही खाएंगे। अभी इसको हमने 4 स्पून डाल दिया है। अभी हम डालेंगे इसके अंदर ये रेड चटनी। अगर आपके घर पे ये रेड चटनी नहीं है, ये मैंने प्रिपेयर की हुई है, इमली की चटनी है जिसके अंदर मैंने शुगर नहीं डाली है, ये सिर्फ बनती है गुड़ से। तो अगर आपको ये रेड चटनी आपके पास नहीं है, घर पे नहीं बनानी है, तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर टोमेटो केचप, इसके अंदर खजूर भी मैंने डाली हुई है जिसकी वजह से ये स्वीटनेस आती है और खट्टापन भी आता है, तो बहुत ही बढ़िया लगती है दोस्तों। इसको हम डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून आपके टेस्ट अनुसार। अगर आपको ज़्यादा स्वीट करना है तो आप इसको ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमने डाल दी है। अभी इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही एकदम पतला नहीं डालना है, ये एकदम क्रीमी टाइप का जो दही, जो ये मैंने घर पे प्रिपेयर किया है, ये दही हम डाल रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये 4 टेबलस्पून हम दही डालेंगे। ये थोड़ा मुझे कम लग रहा है इसलिए मैं 1 टेबलस्पून ज़्यादा डाल रहा हूँ। ये हमने दही डाल दिया है इसके अंदर। अभी ये सब वेजिटेबल्स आ गए, अभी हम इसको क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर थोड़ा चनाचोर गरम डाल रहे हैं। चनाचोर जो होता है वो चने से बनता है, तो ये भी प्रोटीन से भरपूर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप खा सकते हैं। इससे क्या है कि ये सलाड में क्रिस्पीनेस ऐड होता है। अभी हम डालेंगे एक ममरी, जो ममरी आती है मार्केट में मिलती है, वो कम क्वांटिटी में डालेंगे अपने। ये फ्राइड होती है पर हम ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं कर रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम ले रहे हैं चना दाल। ये चना दाल है जो प्रोटीन से भरपूर होती है ऑब्वियसली, इसको भी हम थोड़ा डाल रहे हैं। अभी हमने ये सब तो डाल दिया, क्रिस्पीनेस इसमें आ गई। और अगर आपको पसंद है, आपके घर पे अगर ये कॉर्न रेडी है तो आप कॉर्न भी डाल सकते, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास है रेडी तो हम इसमें कॉर्न डाल रहे हैं। तो अभी आपको ये पता चल रहा है कि देखो ये पूरा ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, विटामिन्स आ गए, सब कुछ आ गए इसमें। अभी अपने को क्या करना है, थोड़ा टेस्टी टैंगी फ्लेवर चाहिए, तो अपने इसके अंदर चाट मसाला डाल रहे हैं। थोड़ा चाट मसाला ज़रूर डालिए, इसके बिना आपको खट्टा मीठा टेस्ट नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा फीका लगेगा। अभी चाट मसाला आ गया है। अभी अपने इसके अंदर डाल रहे हैं ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर की जो स्पाइसीनेस होती है वो मिर्ची से बहुत ही अच्छी होती है, तो ब्लैक पेपर ज़रूर डालिए। ये दोनों ही डाल सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर थोड़ा चीज़ी चाहिए तो आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं, पर ये सलाड है तो मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूंगा। अभी इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। इसको भी और आपको क्रिस्पी करना है तो आप इसके अंदर वो अपनी एकदम थिन जो सेव आती है वो सेव डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। इसके अंदर मैंने कोथमीर भी पहले से, जो धनिया आता है बोलते हैं अपने, वो भी डाला हुआ है। सब कुछ पहले से मिक्स है, अभी इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसको चीज़ी नहीं बनाया, मैं चीज़ नहीं डालने वाला क्योंकि ये सलाड है और ये मेन पर्पस वेट लॉस है और टेस्टी भी चाहिए आपको। चीज़ क्या होता है कि टेस्ट को माइल्ड कर देता है, तो इसलिए अभी इसमें चीज़ नहीं डालेंगे। आपको पनीर डालना है तो पनीर डाल सकते हैं, वो पनीर के अंदर प्रोटीन रहता है भरपूर, तो अभी आपको हेल्दी खाना चाहिए, कोरोना का टाइम है, चीज़ वीज़ नहीं खानी चाहिए, फिर आपको लगेगा नहीं चलो यार ये तो मैं 21 दिन में मोटा हो गया, तो वो फील अपने को नहीं करना है, तो इसलिए आपने ये सलाड रेडी किया है। ये सलाड दोस्तों आपके सामने रेडी है।
आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है ये, अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और आप मुझे खा के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मैं आशा करता हूँ आप सब हेल्दी है और आपके घर पे है, आप बाहर नहीं निकल रहे। टेक केयर एवरीवन।